दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसी फिक्स के बारे में। मैंने ये मैकेनिक का मंगवाया है। आईसी फिक्स ये यूनिवर्सल चिप फिक्सर होता है। इसमें आप कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी आईसी फिक्स कर सकते हैं। अगर आप मदरबोर्ड के ऊपर चिप लेवल का काम करते हैं तो आपके पास ये होना ज़रूरी है, क्योंकि सीपीयू वगैरह के आप क्लीनिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए एक आईसी फिक्सर होना चाहिए, जिसमें आप सीपीयू को फिक्स कर उसमें क्लीन कर सकते हैं। उसका कोई भी रिवॉल्व्स वगैरह है या फिर कोई भी जैसे अपना ब्लैक पेस्ट वगैरह होता है उसको क्लीन इजीली कर सकते हैं। इसको चलो अपन अनबॉक्सिंग करते हैं। फिनिशिंग तो काफ़ी अच्छी है इसकी। आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का ये आएगा, एंड इसको यहाँ से आप ओपन भी कर सकते हैं। कोई भी कितनी भी बड़ी आईसी हो, इस तरह से आप ओपन कर इसके अंदर आईसी लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास A7 का ये सीपीयू है, इसको आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे हो A7 का सीपीयू है। ओके, आप इजीली इसको यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी तरह से फिक्स हो जाता है, तो इसको आप पे यहाँ से इजी, अब यहाँ से कोई भी अब क्लीनिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा आपको, अगर आप चिप लेवल का काम करना चाहते हैं तो आईसी फिक्सर होना ज़रूरी है। मैकेनिक का ले सकते हैं या फिर किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं। आपको समथिंग 1400-1500 के अराउंड मिल जाता है, तो आप परचेज कर सकते हैं। एंड इससे काफ़ी ईजी हो जाता है आईसी के ऊपर वर्क करना आपका। तो ऐसे ही वीडियोज़ के साथ में अपन मिलते रहेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक आ सके।